गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल अमृता की वाणी में। जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, या तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। तो मुझे बोलना बंद कीजिए कि तू किसके सामने आवाज उठा रही है, अगर तुम्हारा क्या होगा। तो मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। आप लोग कहाँ सोए हुए हैं? जैसे असम वाले अभी कार्य कर रहे हैं तो उनका कार्य को मैं सैल्यूट करती हूँ। और सभी राज्य के लोग कहाँ सोए हुए हैं? सभी राज्य के नेता आगे आए, एक डेट फिक्स करें या सब आंदोलन करें। ऐसे नहीं सुनने वाली है। इतना दिन से अभी गैजेट प्रकाशन नहीं हुआ है, नहीं कुछ हुआ है, न धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ बोल रहे हैं। हम लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, रेगुलर डीएड वाले, एनआईएस डीएड वाले, बीएड वाले, तो आपस में लड़ना बंद कीजिए। हम लोग की कोई गलती नहीं है। और जो लड़ रहे हैं उनकी मानसिकता आप जान ही सकते हैं कैसी हो। तो उन सब के लिए मैं एक शायरी लेकर आई हूँ। जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका भी है। आग के पीछे तेज हवा है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका भी है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरी बारी आई है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका भी है। तो ये ध्यान रखिए, एक दूसरे को साथ देना सीखिए, ना कि कोसने के सिवा एक दूसरे का साथ दीजिए तो हो सके आपको भी वो आगे चलकर साथ दे। लेकिन ऐसा तो हम लोग देख नहीं रहे हैं। हम लोग को चाहिए अभी आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन होगा ना तभी बहरी कानों में आवाज़ जाएगी सरकार को। ऐसे अभी कुछ सुन नहीं रही है। ये उपेंद्र कुशवाहा बोले हैं कि हम जा करके संसद में बात करेंगे, गैजेट में करवाएंगे। वो संसद से ही तो पास किया हुआ है ना, ऐसे थोड़ी ना है। जब संसद से पास किया हुआ का यहाँ वैल्यू ही नहीं है तो ये आवाज़ उठा करके ही क्या करेंगे हम लोग को। जब तक आंदोलन नहीं करेंगे ना तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जो मोदी भक्त है उनको बुरा लगता है मेरी वीडियो से, मेरे बातों से, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जहाँ जाना है, जो करना है कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा मैं जेल ही जाऊंगी ना, मुझे कोई परवाह नहीं है। जब सारा चीज खत्म ही हो गया तो जेल ही जाकर कम से कम इतना रहेगा ना कि हाँ कोई अच्छे काम के लिए जेल गई हूँ, अच्छे काम के लिए आवाज उठाई हूँ तो जेल गई हूँ। आप लोग की ऐसे ऐसी कमेंट से ना मेरी आवाज धीमी नहीं होती है और ऊंचाई बढ़ती है। अब डरने वालों में से तो मैं ही नहीं, जो सही है सही के लिए हमेशा से बोली हूँ और बोलूंगी आगे भी।